हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे आईजीएल के बारे में या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। अगर कंपनी की बात करें करती गया है तो मेनली इनका गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। कई सारे रीजन है इनके अंदर, कई सारे रीजन में अगर आप लोग देखेंगे तो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है और सारे मतलब शहर है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे आगे डिटेल, और मतलब डिटेल में जानना है तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डिटेल में जाके कंपनी के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। हालांकि नंबर्स पे फोकस करते हैं, फिर आते हैं चार्ट्स पे। मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही यहाँ पे अच्छे हैं, मोर देन आइडल रेशियो। प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी है, सेल ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अच्छा है, कंपनी डिविडेंड अच्छा पे कर रही है। नीचे आगे देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स में, कॉन्स के अंदर कुछ नहीं है बट प्रोज के अंदर देखेंगे तो 19.1% सीएजीआर ग्रोथ है, पिछले प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल के अंदर। डिविडेंड पे आउट इनका है 20.9%, तो अच्छा खासा रिटर्न वहां से भी मिल सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे कंपनी का तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्जिन है इनका। डेट और रिजर्व्स की बात करें तो डेट और रिजर्व्स का रेशियो अच्छा खासा मेंटेन किया। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स आपको ऐसा हम कहेंगे सारी कंपनीज के लिए, सिर्फ आईजीएल के नहीं। अब क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले होंगे, अक्टूबर स्टार्ट हो गया तो कंपनी पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स, क्योंकि मार्केट के सिचुएशन अभी इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे थोड़ा सा ध्यान देना। कोई भी कंपनी आप लोग होल्ड करते हैं थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एक चीज समझने की कोशिश करना, ये आईजीएल के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये आईजीएल के नहीं बोल रहे हैं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो काफी सारे मतलब हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज मतलब बाहर देते हैं जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे यूएस और यूके, और इनकी इकोनॉमी अगर जाती है क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन मार्केट बड़ी है, मतलब उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो इसलिए उनकी कंजम्पशन मार्केट भी हमसे बड़ी है, तो वहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होता है इसलिए हमारे बिजनेस एक्सपोर्ट वहाँ पे ज्यादा करते हैं, तो इसके चक्कर में अगर वहां पे थोड़ा सा रिसेशन आता है तो हम लोग का बिजनेसेस भी सफर कर सकते हैं। तो इसलिए कहेंगे जितने भी कंपनीज आप लोग होल्ड करते हैं उसकी क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर बहुत सारी कंपनियों के नेगेटिव रिजल्ट आने लगते हैं तो मार्केट के अंदर देख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग को आने वाले समय में एक पेन दिख सकता है। बट अभी स्ट्रिक्टली ये बात करते हैं हम लोग जो टॉपिक उठाए यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयरली पे तो यहाँ पे मेजर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2022 और ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर काफी इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स के अंदर। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, 25% का एवरेज मान के चलते हैं यहाँ पे, 25 नहीं थोड़ा सा कम कर सकते हैं 23-24% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल रही, अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी एवरेज ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई है बट 19 के आसपास यहाँ पे स्टेबल है, 19-20 के बीच में। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पॉजिटिव है, अच्छे खासे नंबर के साथ बढ़ी है। नीचे आते हैं कैश फ्लो वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव कंपनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ना बढ़ी है ना घटी है, एफआईज की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, डीआईज की होल्डिंग में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए, 1% की बढ़ोतरी हुई है, गवर्नमेंट की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं है। डायरेक्ट आते हैं चार्ट पे, चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट क्या कह रहा है, बहुत सिंपल यहाँ से देख के पता चल गया होगा, देख के पता चल गया होगा कि चार्ट पे नेगेटिव है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन अगर बताएं यहाँ से गिरी मार्केट, यहाँ से गिरी, यहाँ पे रीटेस्ट की दोबारा, मतलब अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाती तो अच्छी बात थी, बट देखेंगे जहां से ये ना जो ट्रेंड लाइन जा रही थी जिसको जिसको तोड़ी थी, वीकली चार्ट है ना, वीकली में समझना है डेली में लंबा होगा, यहाँ पे ये अपने ट्रेंड तोड़ी, ट्रेंड तोड़ के नीचे आया दोबारा इस लेवल पर टेस्ट करने के लिए। इस लेवल पर टेस्ट करने के बाद बहुत मतलब एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, 200 EMA ब्रेक किया, 200 EMA के बाद इसके नीचे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद दोबारा 200 EMA के नीचे आ गया। तो मतलब पूरी कहानी समझने की सोचने की कोशिश किया करिए, और एक बार मतलब प्राइस क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश किया करिए, चार्ट पढ़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो इस लेवल पे एक मतलब बेरिश पोजिशन है मतलब थोड़ी कंपनी की। जब भी कोई क्रूशियल रेजिस्टेंस कंपनी तोड़ के, कंपनी जब भी कोई क्रूशियल रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर कंसोलिडेट करती है दोबारा नीचे आ जाती है ना, तो अगर इंट्राडे आप लोग देखते हो मेरा, अगर इंट्राडे देखते हो तो इस पैटर्न पे भी हम कई बार ट्रेड करते हैं, आज भी ऐसे ट्रेड किया था अगर याद हो तो ऐसे पोजिशन में हम लोग देख सकते हैं कि बेरिश मार्केट है यहाँ पे फिलहाल इसके लिए, तो इसमें अभी कोई बाइंग नहीं होगी रिसेंट टाइम्स में, और पोजिशन इसके अंदर है तो फिलहाल अगर मतलब वैसे कंपनी तो परफॉर्म अच्छा कर रही है, आने वाले समय में भी गैस की सप्लाईज अगर मतलब बढ़ती हैं ऐसी कंपनीज MGL IGL जैसे को प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग जरूर देखेंगे कि इनकी सेल्स और बिजनेस के अंदर ग्रोथ जरूर आएगा। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे अभी ऑल फॉर एक्सपेक्टेड है, आने वाले समय में ये वाले लेवल पे हो सकता है एक बार टेस्ट करे ही, इसके नीचे अगर लेकिन अगर आता है तो हम लोग और फॉल इसके अंदर देख सकते हैं, और फॉल कितना आएगा वो डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं। इस लेवल के नीचे अगर आता है
तो यहाँ पे भी देखेंगे तो डेली चार्ट के अंदर ये 200 EMA इसके नीचे आ चुकी है मार्केट, इसके नीचे आई है मार्केट, ये वाले लेवल था एक, तो एक बार हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता कल अगर इसके नीचे कंटिन्यू करता है या कभी भी आता है वेंसडे थर्सडे कभी भी आता है तो इन वाले लेवल्स में हम लोग आने वाले समय में इसको देख सकते हैं। तो जो अभी हम खरीद के रखे हुए हैं, जितने भी लोग खरीद के रखे हुए हैं वो अपना इन लेवल्स पे SL ले सकते हो। बाइंग हम लोग करेंगे इसके अंदर, बाइंग की अगर बात करें तो बाइंग हम लोग कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। इन लेवल्स के अगर ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिलती है, मानते हैं कि मार्केट की सिचुएशन भाई बहुत अच्छी हो गई, तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। टारगेट होंगे इन लेवल्स के, टारगेट होंगे हमारे इन लेवल्स के, इसको मार्क कर देते हैं एक बार, टारगेट होंगे हमारे इस लेवल के, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये लेवल का। इसके नीचे अगर कल क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग इसके नीचे एक क्लोजिंग मतलब एक SL लगा के बैठ जाएंगे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो एग्जिट कर जाएंगे। अगर नहीं भी होता है ना तो इसके अंदर हो सकता है पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, उस टाइम से बेटर है हम लोग कहीं पे और उस पैसे को इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट मतलब कहीं ट्रेड भी लेके, तो वहां से हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ से अभी फिलहाल एग्जिट करेंगे और अगर कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है तो अपडेट करेंगे फिर से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय, अपना कैपिटल सेफ रखना।